हेलो फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यह है केसर बादाम मिल्क की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग है, शानदार है। आपने शायद नोटिस किया होगा मेरी अधिकतर रेसिपीज इंस्टेंट रेसिपीज होती हैं, क्योंकि मुझे पता है सभी लोग इंस्टेंट रेसिपीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं होता ज्यादा इंग्रीडियंट्स फैलाने का, ज्यादा टाइम लगाने का। और इंस्टेंट रेसिपीज के साथ साथ ये इंटरेस्टिंग होती है, डिलीशियस तो होती है, बच्चों के मतलब की भी होती है, बड़ों के मतलब की भी होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभा कपिल, अपने चैनल क्रेजी कुकिंग विद अनुभा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी रेसिपी इंटरेस्टिंग है और इंस्टेंट है। इसके इंग्रेडिएंट्स इस तरह से हैं, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अब देखिए मैंने इसके लिए इंग्रेडिएंट्स में लिए हैं, ये है मेरा आधा गिलास दूध। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं, वैसे मैंने आधा गिलास दूध लिया है। साथ ही मैंने लिया है कंडेंस्ड मिल्क, ये मेरा अपना बनाया हुआ कंडेंस मिल्क है। इसकी रेसिपी आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं, इसकी लिंक मैं डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। और ये है कुछ ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू और थोड़े से पिस्ता को मैंने क्रश कर लिया, और कुछ मोटे पीसेस हैं इसमें, कुछ चंक्स हैं और कुछ पाउडर बेस है इसका, और कुछ मैंने कट कर लिए हैं, बिल्कुल बारीक नहीं किए। ये है मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये मैंने आपको गार्निश करने के लिए लिए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये थोड़े से लिए हैं मैंने आइस क्यूब्स, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे ना डालें। साथ ही मैंने लिया है ये एसेंस, ये है कश्मीरी केसर एसेंस। इसे बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। चाहे तो आप केवड़े का एसेंस भी यूज कर सकते हैं, और यदि आप ना चाहें तो कोई भी एसेंस स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इंस्टेंट रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो नॉर्मली हमारी ये रेसिपी होती है ये केसर बादाम मिल्क की, इसमें हम बादाम को भिगोते हैं, फिर इनको पीसते हैं और दूध को काफी देर तक उबालते कढ़ाते हैं। इस सब प्रोसीजर में थोड़ा एक घंटा या आधा एक घंटा लग जाता है और थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसी रेसिपी को मैं इंस्टेंट बना रही हूँ। तो मैं आज दूध को कढ़ाऊंगी, उबालूंगी नहीं, दूध बादाम को पीसूंगी नहीं, उसको मैं भिगोंगी भी नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके लिए क्या कर रही हूँ, मैंने एक मिक्सचर बाउल लिया है ये जार में, चाहे तो आप इसे हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। इसमें मैं ये दूध डालती हूँ, सबसे पहले मैंने इसमें दूध डाला और ये कंडेंस्ड मिल्क डाला है, लगभग ये है 4-5 चम्मच ये कंडेंस्ड मिल्क है। ये काफी मीठा होता है इसलिए इसमें अलग से चीनी डालने की जरूरत नहीं है। और साथ में अपने ये ड्राई फ्रूट्स का चंक्स हैं एंड पाउडर, ये डाला, और साथ में ये अपना एसेंस भी डाल दूंगी। मैं एसेंस में डालूंगी इसमें लगभग 1/2 चम्मच या 4-5 बूंदे, बस थोड़ा सा ही डाला, बस इतने से इंग्रीडियंट्स इसमें मैं ऐड करने हैं। और पहले इसको मैं थोड़ा सा चढ़ा दूंगी मिक्सी में, और उसके बाद फिर इसको हम आइस क्यूब डालेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने इसको बहुत हल्का सा ब्लेंड किया, ज्यादा ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है इसको। अब मैं इसमें आइस क्यूब डाल दूंगी, उससे क्या होगा ठंडा बनेगा, चिल्ड बनेगा और भी अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। इसको बहुत ज्यादा ब्लेंड करने की जरूरत नहीं, बस इसको थोड़ा मिक्स करना ही इसका पर्पज है। बस देखिए फ्रेंड्स, आधा मिनट भी नहीं लगा इसको बनाने में, बस इसे मिक्सर जार, जब मिक्सी की जार में हमने इसको डाला, हल्का सा ब्लेंड किया, और देखिए ये आपका डिलीशियस सा मिल्क रेडी है। अब देखिए ये हमारा केसर बादाम मिल्क बिल्कुल रेडी है। इसमें थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे गार्निश करने के लिए। चाहे तो आप इसे किसी बॉटल में करके फ्रिज में रख सकते हैं, और जब चाहें तब इसको पी सकते हैं। अब इसको आप खुद देख सकते हैं कि इसको बनाने में कितना कम समय लगा है, बिल्कुल भी नाम मात्र को 5 मिनट भी नहीं लगे हैं इसे बनाने में, और ये हमारा रेडी हो गया है। नॉर्मली जो ट्रेडिशनली हम बनाते हैं उसमें 1 घंटा लग जाता है, वो हमारा बच गया है। कभी कोई गेस्ट आने वाला हो या तो कोई जल्दी हो तो आप इस रेसिपी को बहुत जल्दी झटपट तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल की रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।